हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को बताऊंगी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी डीवीडी के बारे में कि डीवीडी क्या होता है। तो डीवीडी भी एक टाइप का सेकेंडरी मेमोरी होता है, मेमोरी का एक पार्ट होता है। मेमोरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो डीवीडी सेकेंडरी मेमोरी का मेन पार्ट होता है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी में डीवीडी आते हैं। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसे शॉर्ट में हम डीवीडी कहते हैं। आजकल सीडी का एक अन्य परिष्कृत रूप भी प्रयोग में लाया जाता है, जिसे डीवीडी कहा जाता है। इनकी भंडारण क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB या अधिक भी हो सकती है। इस पर डेटा लिखने या उसे पढ़ने के लिए एक विशेष ड्राइव होती है, जिसे डीवीडी ड्राइव कहा जाता है। इसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। डीवीडी का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी के समान ही होता है, लेकिन ये 6 गुना अधिक तक डेटा भंडारण करती हैं। डीवीडी रोम यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसे शॉर्ट में डीवीडी रोम भी कहते हैं, में डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। और डीवीडीआर यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, डेटा को सिर्फ एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद एक आता है डीवीडी रोम, जिसे डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी के रूप में कार्य करते हैं। फिर DVD-RW, डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल यानी कि DVD-RW और डीवीडी रैम, डेटा को कई बार रिकॉर्ड कर सकते हैं और मिटा भी सकता है। तो रिकॉर्ड करने के लिए और मिटाने के लिए हम डीवीडी रैम और DVD-RW का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा डीवीडी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, क्या होता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूज़फुल और नॉलेजेबल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।